बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी हमारा, ये डिसऑनर का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि एक एग्जांपल जिसमें बिल डिस्काउंट हुआ है और वो डिसऑनर हो गया है। अब पिछला जो आपने इसके नहीं देखी वीडियो, तो उसको आप इससे एग्जैक्ट इससे पीछे जो वीडियो है उसको आप देख लें, क्योंकि उसमें नोटिंग चार्जेस के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल में उसके ऊपर बात की हुई है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं एग्जाम्पल को, और वो बात कर रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2020 ATU and be accepted a bill for ₹5,000 at 3 months। यकम जनवरी 2020 को जो है ए ने ड्रॉ किया है बिल बी के ऊपर, मतलब ए ड्रॉयर हुआ और बी जो है उस पर बिल ड्रॉ हो रहा है, तो वो डी जो है वो ड्रॉ हो गया और उसने बी ने एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया उसको। तो मीन्स की जो बी है वो एक्सेप्टर बन गया बिल का और ये ₹5,000 का है 3 months के ऊपर, तो 3 महीने इसका ड्यूरेशन है और ₹5,000 का है। अब वो कहते हैं ऑन द 4th January ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर एट 15% पर एनम। अब 4 तारीख को उसने जो है उसको डिस्काउंट करवा लिया 15% के ऊपर बैंक से, तो डिस्काउंट समय लगे कि मतलब डिस्काउंट हो गया बिल ऑन मेच्योरिटी यानी ड्यू डेट के ऊपर। व्हेन बैंक अप्रोच्ड द एक्सेप्टर, जब बैंक जो है उसने बिल प्रेजेंट किया, अप्रोच किया उसने जाके एक्सेप्टर को, तो ही रिफ्यूज टू ऑनर द बिल, उसने इनकार कर दिया कि उसके पास पेमेंट नहीं है। बैंक गॉट द बिल नोटिस, उसने नोटरी पब्लिक को जो है इसको नोटिस मिला दी ये बात, एंड पेड ₹50 एज नोटिंग चार्जेस, और ₹50 उसने नोटिंग चार्जेस उसके पे कर दिए। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड बैंक, यहाँ 3 पार्टीज होंगी, एक ड्रॉयर होगा, एक ड्रॉई होगा और एक बैंक होगा, ये 3 पार्टीज इसके अंदर यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि नोटिंग चार्जेस जो है वो ₹50 जो है वो पे किए गए हैं। पे कौन करता है? जिसके पास बिल होता है। अब चूंकि बिल बैंक के पास था तो पे उसने किए, लेकिन ये बैंक के चार्जेस नहीं है, चार्जेस किसके हैं? ड्रॉयर के, नहीं ड्रॉयर के भी नहीं है, लेकिन ये बैंक जो है ये ड्रॉयर से पेमेंट रिसीव करेगा क्योंकि उसने डिस्काउंट कराया था। और जो ड्रॉयर है वो अल्टीमेटली किससे रिसीव करेगा? ड्रॉई से, यानी एक्सेप्टर से, क्योंकि वो इसका कॉज बना है, तो जो कॉज बनता है उसके वो चार्जेस होते हैं, उसके वो एक्सपेंस होते हैं, तो जो ड्रॉई होगा, ये एक्सेप्टर होगा, उसकी बुक्स में ये एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, आप चलते हैं जी अब इसके सोल्यूशन की तरफ। यकम जनवरी 2020 को ड्रॉ हुआ है बिल, और यहाँ पे वैसे सेल की तो बात नहीं हुई, उसने डायरेक्टली ये कह दिया है कि ए ने ड्रॉ कर दिया बिल। आप डायरेक्टली भी इसके बिल रिसीवेबल से आप चला सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एंट्री वो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर ए ने ड्रॉ किया है तो इसके पहले ये बात है कि यहाँ पर सेल हुई है, तभी तो वो बिल ड्रॉ हो रहा है, तो हम यहाँ पर सेल की एंट्री पास कर सकते हैं। यकम जनवरी को मतलब बी अकाउंट टू सेल अकाउंट, तो बीइंग द गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस, और ₹5,000 से आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं ये वाली बात, लेकिन मेरा आपको डायरेक्टली एंट्री यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि सेकंड जब हम एंट्री यहां पर ये पास करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट। ये क्या हुआ? बिल उसने एक्सेप्ट किया है, तो इसने एक्सेप्टेंस की एंट्री ड्रॉयर ने अपने पास ये पास कर दी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें कि यहाँ पर वो बात कर रहा है बिल के डिस्काउंट होने की, जब बिल डिस्काउंट होगा तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं। जनवरी 4 को उसने डिस्काउंट कराया तो क्या होगा? बैंक में पैसे आए होंगे, बैंक बैलेंस बड़ा होगा, तो बैंक एसेट है, डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अकाउंट जो है वो ड्रॉयर का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट होगा, वो इतनी रकम से डेबिट हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल उसके पास पहले था, अब वो चूंकि बैंक के पास चला गया, मतलब बिल रिसीवेबल अब इसके पास एसेट नहीं रहा, तो इसको वो क्रेडिट कर देगा पूरे ₹5,000 से, बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट 15%। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 15% पे ये डिस्काउंट हुआ है तो कैसे ये रकम आई है। बिल है 5,000 का, 15% आपने मल्टीप्लाई कर देना इसको 15% के साथ, 15% का मतलब 0.15, ठीक है, 100 पे डिवाइड कर देने के बाद ये आ गया, इसको आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन महीने रहते हैं ना अभी, जो कि बैंक ने देखते हैं, बैंक को अभी मतलब इसमें बर्दाश्त करने हैं 3 मंथ्स, 3 महीने अभी वो देखेगा, तो 3 महीने के जो पैसे बनते हैं वो 187.5, ये टोटल आपके पास रकम बनती है जो कि बैंक का डिस्काउंट बनता है, तो ये बैंक का रेवेन्यू है लेकिन इसका एक्सपेंस है, तो ये यहाँ पर 187.5 या 5 आप लिख सकते हैं, ये यहाँ पे डेबिट हो गया, और उसके बाद अगर 5,000 पैसे इसको माइनस कर दे तो बाकी इतने पैसे उसको मिले होंगे, तो वो बनते हैं 4,812.5 या 50, ठीक है। तो ये आपको ये कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे समय लगी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी नेक्स्ट जो है ये एंट्री, उसने जब ड्यू डेट आई है तो उसने उसको डिसऑनर कर दिया,
जब डिसऑनर हुआ होगा तो क्या है कि बी से अब दोबारा पैसे लेने हैं ए ने, तो बी को, बी दोबारा डेटर बन गया तो बी को क्या कर देगा, डेबिट। अब वो 5,000 रुपए भी लेने हैं ये वाले बिल वाले, और ऊपर जो 50 रुपए पे किए हुए हैं बैंक ने, जो कि नोटिंग चार्जेस हैं ये 50 रुपीज, बैंक ने वो भी इससे काट लिए। तो मतलब क्या है कि बैंक से पैसे 5,050 कम हुए, क्योंकि बैंक ने तो पैसे इसी से ले लेने, वो बिल के पैसे भी लेगा और जो ऊपर खर्चा हुआ है वो भी इसी से लेगा, क्योंकि बिल इसने डिस्काउंट कराया हुआ है। तो बैंक से पैसे कम हुए कितने, 5,050 रुपए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बिल बी जो है वो डेबिट क्यों हुआ है, बी इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि बी इसका डेटर बन गया, 5,000 जमा 50 रुपए, तो 5,050 रुपए से बीइंग बिल डिसऑनर्ड एन अमाउंट एडजस्टेड फ्रॉम द बैंक, बैंक से एडजस्टमेंट होगी उसकी, मतलब बैंक ने वहां से डिडक्ट कर लिए पैसे। तो ये बात आपको समझ लगी होगी, ये तो यहाँ पे केस खत्म हो गया। अब चलते हैं बी की तरफ। अब बी जो है वो सबसे पहले परचेजेस की एंट्री पास करेगा, अगर आप ये चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली शुरू करेंगे। तो 1 जनवरी को हम परचेजेस टू ए कर देंगे और 5,000, उसके बाद ए अकाउंट को डेबिट करेंगे कि अकाउंट खत्म हो गया, ए को कर देंगे डेबिट, और बिल पेएबल जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। बिल पेएबल क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि इस पर लाइबिलिटी बन गई है। ये इसके नरेशन है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड अगेंस्ट परचेजेस, ये इसके साथ ही है यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट, बिल डिस्काउंट हुआ है उसका बी की बुक्स के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, डिस्काउंट कराया बैंक जाने और जिसने डिस्काउंट कराया वो जाने, उनकी बुक्स इंपैक्ट होंगी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना डिस्काउंट का। इसने जब डिसऑनर किया जो कि ड्यू डेट बनती है 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल को उसने डिसऑनर कर दिया, तो मतलब बिल पेबल जो था हमारे पास वो अब डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी खत्म होगी एक तरह की, क्योंकि अब लाइबिलिटी बन गई है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट, बिल तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो बिल को खत्म करना है तो बिल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो ये यहाँ पर डेबिट हो जाएगा बिल पेबल पूरी रकम से 5,000 से। और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस जो है वो भी डेबिट हो जाएंगे, नोटिंग चार्जेस इसलिए डेबिट होंगे क्योंकि वो भी उसके एक्सपेंस है, और ए अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ लगी होगी यहाँ पे कि इसके अंदर, यानी आप देखें कि नोटिंग चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे डेबिट हो गए हैं, डेबिट इसलिए हो गए हैं क्योंकि इसका एक्सपेंस है, जिसका एक्सपेंस होता है तो उसको डेबिट करेगा, और बिल पेबल यहाँ पे खत्म हुआ है इस वजह से यहाँ पे आएगा। तो अब चलते हैं जी बैंकर बैंक की तरफ, और इसमें देखते हैं कि बैंक इसमें क्या कर रहा है। बैंक से बिल डिस्काउंट हुआ है 4 जनवरी को, तो इसका मतलब ये है कि 4 जनवरी को उसने क्या किया होगा, यहाँ पे बिल उसके रिसीव हुआ है, तो मतलब बिल रिसीवेबल जो है वो यहाँ पे डेबिट हो गया पूरी रकम से 5,000 रुपए से, और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, और ये क्रेडिट हुआ है 4,812.50 रुपए से। ये क्रेडिट यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक अकाउंट में ये बैलेंस ट्रांसफर हो गया, तो मतलब बैंक के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई एक अकाउंट की, और उसके बाद दूसरी तरफ जो है डिस्काउंट बैंक का रेवेन्यू है 187.50, ये बिल्कुल वही रकम है जो पीछे हमने कैलकुलेट की है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बीइंग द बिल डिस्काउंटेड एंड अमाउंट ट्रांसफर टू द ए अकाउंट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो फाइनल, जब डिसऑनर हुआ है तो अब ए के अकाउंट से उन्होंने पैसे काट लिए, 5,000 भी काट लिए और ऊपर के 50 रुपए थे वो भी उन्होंने डिडक्ट कर लिए, तो एक अकाउंट से 5,050 रुपए डिडक्ट हुए, और बिल रिसीवेबल जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया क्योंकि बिल रिसीवेबल जो था यहाँ पर क्या था वो डेबिट हुआ है, ठीक है, और अब यहाँ पे खत्म हो गया उसके पास क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट उन्होंने पे किया है जो कि नोटिंग चार्जेस वाली अमाउंट है 50 रुपए। ये बैंक ने ऑब्वियसली पे क्योंकि बिल किसके पास था, बैंक के पास, तो जिसके पास बिल होता है वही ऑब्वियसली इसकी पेमेंट करेगा। सो बीइंग बिल डिसऑनर्ड एन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम ए अकाउंट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बात आपने यहाँ पे इसको जो है वो समझ लगी होगी। तो एनी हाउ ये प्रॉब्लम थी, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप डिसलाइक कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।